देवघर का लड़का सपना देख रहा था हॉलीवुड का सुपरस्टार बनने का और यहीं से शुरू हुआ उसका पागलपन और इसी पागलपन में और आग लगाने के लिए उसने खुद के नाम से $10 मिलियन का एक चेक लिखा और तारीख डाली 5 साल बाद की। इस चेक ने और अंदर के पागलपन ने इस बंदे को ना सोने दिया ना कहीं पर रुकने दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद कई छोटे मोटे रोल करने के बाद इस बंदे को एग्जैक्टली 5 साल बाद एक मूवी ऑफर हुई, डम एंड डम्बर। इस मूवी के लिए उनको एक चेक मिला और चेक में अमाउंट था $10 मिलियन का। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हॉलीवुड का सुपरस्टार जिम कैरी है और ऐसा हो पाया क्योंकि इसने अपनी पागलपन की आग में अपने सपनों का पेट्रोल छिड़क दिया था और इसी पागलपन की बदौलत ये बंदा आज हॉलीवुड का सुपरस्टार है। क्या तेरे सपनों के लिए तेरे अंदर ऐसा पागलपन? पर नहीं है ना तो उसे अपने अंदर ला, और अगर है तो अपने सपनों का पेट्रोल छिड़क के उसे और भड़का, तभी एक दिन तेरा वो सपना रियलिटी में उतरेगा। और जैसे आज मैं यहां पर जिम कैरी का एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे ही 5-10 साल बाद कोई तेरा एग्जाम्पल देगा। लग रही है ना आग अंदर? तेरा सोच सिर्फ सोचने से इतनी आग लग रही है तो सपना पूरा होने के बाद वो फीलिंग क्या होगी? फील इट, महसूस करो उस चीज को। और जब भी लगे लाइफ में कि अब कुछ नहीं होगा, बस इस फीलिंग को याद करना, आग अपने आप लग जाएगी। कई लोग इस वजह से अपने सपनों के लिए ट्राई नहीं करते कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं। तो दोस्त सुन, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, जो कभी 10th स्टैंडर्ड में 3 बार फेल हो गया था, आज तमिलनाडु के 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के सब्जेक्ट में पहला चैप्टर इस बंदे के ऊपर है। और कभी 10th स्टैंडर्ड में फेल हुए इस बंदे के अकाउंट संभालने के लिए एक दो नहीं बल्कि 5 CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। अपनी पहली कार मारुति 800 खरीदने के लिए इस बंदे ने बैंक से 40,000 का लोन लिया था और आज यही बंदा BMW का ब्रांड एम्बेसडर है। यह सब हो पाया क्योंकि अपने गेम के लिए इस बंदे के अंदर एक पागलपन था जिसने उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। दोस्त, तेरे अंदर भी तेरे सपनों के लिए ऐसा पागलपन, ऐसी जिद आनी चाहिए, क्योंकि तेरी यही जिद, यही पागलपन एक दिन तुझे भी जीरो से हीरो बना देगी। याद रखना, हसल करोगे तो ही हासिल करोगे। सपना तो पूरी दुनिया देखती है दोस्त, पर अपने सपने के लिए अपने अंदर वो पागलपन, वो जिद कुछ ही लोग ला पाते हैं और इन्हीं को दुनिया आगे चलकर लेजेंड के नाम से जानती है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता दिन रात काम करना, पर साला इन पागल लोगों के जो सपने होते हैं ना, ये इन्हें मजबूर करते हैं दिन रात काम करने के लिए। और कई बार हारने के बावजूद भी अंदर का पागलपन इन्हें पीछे हटने नहीं देता। यार, जब तक जो चाहते हो उसके लिए जलोगे नहीं, तब तक उसे हासिल नहीं कर पाओगे। याद रखना, जिंदगी में मुसीबतें आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए आती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है और इसी वजह से तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो इस बंदे की कहानी एक बार जरूर सुनना। ओप्रा विनफ्रे, बचपन में गरीबी इतनी थी कि पहनने के लिए कपड़े तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो ये आलू के बोरी को ही कपड़े जैसा इस्तेमाल करती थी। 14 साल की उम्र में माँ बन गई लेकिन बच्चे को बचा ना सकी। न्यूज चैनल में जॉब करने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी, पर कुछ दिनों बाद न्यूज चैनल वालों ने भी जॉब से निकाल दिया ये कहकर कि तुम इसके लायक नहीं हो। पर इनकी तो जिद थी कामयाब होने की। ऐसी प्रॉब्लम्स को सीढ़ी बनाते बनाते इतना ऊपर पहुंच गई कि आज अमेरिका की सबसे अमीर लेडी का खिताब इनके नाम है। और कभी न्यूज चैनल ने इनकी काबिलियत की वजह से इन्हें नौकरी से निकाल दिया था, आज वही बंदी बेस्ट एंकर है जिन्होंने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो होस्ट किया है जिसका नाम भी इनके ऊपर था, द ओप्रा विनफ्रे शो। कौन कहता है चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं? चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं। ये बस उन्हीं के लाइफ में होते हैं जो अपने काम के लिए पागल होते हैं। जिंदगी में हारता वही है जिसके अंदर अपने सपने के लिए पागलपन ना हो, क्योंकि जिस बंदे के अंदर पागलपन है वो 100 बार फेल होने के बाद भी अगली कोशिश के लिए रेडी होता है। अक्षय कुमार, बॉलीवुड का शाइनिंग सुपरस्टार, आपको पता है यह बंदा हर रोज सुबह 4 बजे उठता है? ऐसी क्या चीज है जो इनको इतना मोटिवेट करती है? और वो है पागलपन, जिद अपने काम के लिए। बाहरी दुनिया को तो बस इनका चमचमाता सक्सेस दिखता है, पर इसके पीछे की मेहनत ये बंदा अकेला ही जानता है, क्योंकि दोस्त सक्सेस कभी फ्री में नहीं आता, उसे पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। दोस्तों, हमारे इंडिया में भी ऐसे पागलपन के किस्से कम नहीं है। ऐसी एक कहानी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर रतन टाटा की। जब इन्होंने पैसेंजर ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री की तब उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, तो अपने सेटअप को बेचने के लिए ये फोर्ड मोटर के पास गए, पर उनके घमंडी रवैये ने इनके अंदर के पागलपन को जगा दिया। रतन टाटा वैसे ही इंडिया आए और कुछ ऐसा जादू चलाया कि टाटा मोटर्स को तो सक्सेस दिला ही दी, पर इसी के साथ साथ फोर्ड के डूबते हुए लग्जूरियस ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को भी खरीद लिया। ये होता है पागलपन। किसी नॉर्मल बंदे का जब अपमान होता है तब वो बदले की सोचता है, पर किसी ऐसे बंदे का जब अपमान होता है तब बदलाव आता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जिद्दी लोग कभी भी अपनी बातों से जवाब नहीं देते, उनका काम बोलता है, और ऐसे बोलता है कि पूरी दुनिया ताली बजाने पर मजबूर हो जाती है। आपको कौन सी कैटेगरी में आना है कमेंट में जरूर बताना। आग लगी हो तो फैला दो इसे सबके साथ।